दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद, रोहतक की शान जिंदाबाद, मैम चौबीसी जिंदाबाद, मैम चौबीसी जिंदाबाद, मैम चौबीसी जिंदाबाद। अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शक ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर हमारा मोर नमस्ते भाई कती डीजे तैयार हो लिए हैं, पाछे ने दिखा दिए एक बार देखियो यो बंद लिया डीजा मोखरा मेरी जान का भाई सीधा डीजे तैयार बड़े तैयार खड़ा रही है साथी तैयार खड़े हैं कती जश्न मनाने दी। राम राम अपरवान। राम राम भाई। तैयार है जश्न दे? हाँ भाई बिल्कुल तैयार है भाई, भाई नजर आगे लाऊंगे भाई भी। जय दमुंडा समार रहे हैं। जय। अरे राम राम भाई, सारे भाई राम राम भाई। तो पहलवान कितनी जीत, फाइनल कितनी जीत करोगे? पूरी जीत कराएंगे भाई। 2 लाख की हो जाएगी? हो जाएगी आराम से। ऊपर 2 लाख पार भाई। देखो कुछ ना कुछ कहने के लिए खड़े हो, क्या कहना चाहते हो भाई? आज जो पंद्रह हुड्डा जताया भाई ना, भाई 36 बरादरी ने, और भाई यहाँ लोकतंत्र की जीत हुई है। जो अगर भाई जनता ने बीजेपी सरकार ने हरियाणा मता ना सही करी, पहलवाना साथ है, किसान मतलब रोड पे घसड़ाए हैं, उसके खिलाफ इतना आक्रोश था, अब आज जनता ने वो मतलब पूरा कराया है। 36 जात का भाईचारा ने एक होगा ना, इस मतलब कांग्रेस पार्टी ने जीत करी है भाई साहब। अच्छा तो न्यू कहो थे 400 पार करेंगे, अगर गणिये बात थी ये कहोगे? 2.5 लाख पार कर दे। अच्छा 400 पार नहीं, 2.5 लाख पार। 2.5 लाख पार का मामला। पूर्ण जी राम राम भाई। राम राम पूर्ण भाई। कैसे हो? बढ़िया पूर्ण भाई, तो बहुत खुशी है भाई। देखो नुका दे भाई, सारे भाई तो उन टोन लाग रहे हैं जो इस समाज में जात पात का नारा देकर भाईचारा ने खराब करन लाग रहे थे ना, आज इस जनता ने दिखा दिया भाईचारा कट्ठा है, और इस मोदी सरकार का आईना खोल दिया भाई भाईचारा के हो है, 36 बरादरी के हो, कट्ठी मिलकर दीपेंद्र भाई का साथ दिया रोहतक की लोकसभा में, और 3 लाख वोट चला कती भी ना। मोदी फैक्टर कोई नहीं भाई, मोदी तो उल्टा पार कर दिया। 400 पार का नारा दे रहा था, अरीब भी उसका दुविधा हो रही है, ऊपर सरकार आ सके है। अच्छा एग्जिट पोल जो थी वो 400 पार दिखा रहे थे, सभी न्यूज चैनल जो है वो 400 पार की कह रहे थे भाई, 400 पार हैं भाई। पोन उन्होंने तो देखने लाग रहा है उस तो इस एग्जिट पोल आला था, तो अपना सट्टा बाजार वाले ही बढ़िया भाई, आगे इन तो कोई बात नहीं करनी, एग्जिट पोल आला था सट्टा बाजार है तो बुझ लिया रहा है कौन जीता कौन हारेगा। अगले इलेक्शन में सट्टा आला था बुझ ये बढ़िया रहे भाई। गोदी मीडिया बढ़िया भाई, गोदी मीडिया तो भाई सट्टाई बाजार ठीक लग गया, इसने मतलब सटीक जानकारी दी है, गोदी मीडिया ने देश को बगड़ाने का काम किया है, झूठ बोलना काम करा है, देश में सब तक घटिया काम आज के दिन गोदी मीडिया कर रही है, लोकल मीडिया एक नंबर का काम कर रही है, हमने इस लोकल मीडिया पर देश की मतलब विश्वास है, मतलब गोदी मीडिया पर बिल्कुल विश्वास उठ गया, हमने चढ़ा चढ़ा मरवाओगे लग लागे तो ऐसा है। राम राम भाई। राम राम भाई। पवन मलिक कैसे हो भाई? बढ़िया घना बढ़िया भाव, आज तो और भी खुश सब है ज्यादा, हमारा एम पी साहब जीत गए, निशान रह रहे थी। हाँ और कति हो रहा है जीत का, कति जीत का निशान है भाई। कति कितनी सीट हरियाणा में लग गया, 10 में से कितना भाई? हम तो नहीं मान रहे, 7 तो जरूरी चाहिए भाई, 8 सीट कम से कम, 7 तो हम बहुत जरूरी मान रहे, 7-8 तो होनी चाहिए। लोगे की यो टाइम हो लिया, क्या टाइम हो गया पहले दिखाइए एक बार फोन में, लगभग इस टाइम तक क्लियर चीजें हो जानी चाहिए तस्वीर। शाम तक तो कौन भाई बीजेपी कति ढीली हो लेगी, लोग ध्यान रहे रात ने जो गलियां जात पात के नारे लाओगे और जो भाईचारा ने खराब करें दे, आज रात ने वह नहीं पाओगे। अच्छा थे गम वैसे इसका फैक्ट था कि भाई जात पात दिखा दे कुछ, बहुत घना जाट को वोट नहीं डालनी, नॉन जाट वोट करनी, वो चीजें देखी भाई सब, बहुत गणी देखी भाई, बहुत गणेरी भी है सारे भाई, सारी उन मत 36 बरादरी मत खड़े बना रहे थे, पर जनता ने सोच समझ गए अपने हिसाब से, जातिवादी खत्म कर जात पात तो थे नहीं, क्योंकि अगर आप 10 विधानसभा सीटा में देखो तो नू देखो जाट कैंडिडेट कितने थे, जाट कैंडिडेट तो दो जने थे और तो जाट कैंडिडेट थे नहीं, तो जाट का कहता इसको आप आगे भी कोई भी चुनाव हो सही आदमी को वोट करना चाहिए,
चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, इनकी बार भाई सही आदमी चुन लिए और जनता समझ गई ये दीपेंद्र की मेहनत काम आई है भाई। हरियाणा का गरीब तो रही नहीं कि 75 पार हुई कौन हरियाणा में बुड्ढा करेगा करेगा। यो है पवन भाई जो 36 बिरादरी ने जो मिलजुल कर भाई दीपेंद्र और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था रखते हुए जो वोट दी है बम्फर वोट से जो भाई को जिताया है ना, उससे अपने आप ऑटोमेटिक ये साबित हो गया भाई 36 बिरादरी जो है ना मिलजुल का एक साथ ही। कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो लोग मतलब भरम फैलाते हैं और जो ये कह रहे हैं कि भाई 35-1 का कर दो वो कर दो, उनकी आंखें आज खुल जाएंगी अच्छी तरह। एक मैंने 2 मिनट पहले एक अपने फेसबुक पेज पर फोटो पोस्ट भी करी थी, आप लोग भी देखो इस फोटो को भाई साहब, आप भी देखना प्लीज। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार है सोनीपत से, ध्यान से देखो भाई, आप भी देखो भाई, मोहन बड़ोली जी और सतपाल ब्रह्मचारी जी दोनों एक अलग अलग झंडे के नीचे से इलेक्शन चुनाव लड़ रहे थे, नगी टक्कर है और हाल में भी जो टेक हो रहा है इन्होंने बेरा कौन जीत जा, एक सोपे पे बैठ के एक मोबाइल से चुनाव के नतीजे और रिजल्ट देखने लग रहे थे। आपका भी काम यो है सिर्फ वोट डालना, आपने जो बढ़िया लागे देश हित में जाओ उड़े जाकर बटन दबा करो, गांव में बैर बना लें लोग भाई साहब ना हाँ मानना जी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है भाई। हाँ सारे भाई सारे भाई हाँ इलेक्शन तो एक जो है ना गेम है वो आज हो लेगा शाम तक, उसके होने के बाद में सारे भाई एक साथ रहेंगे, एक साथ कट्ठे बैठना उठना गांव में रहना सहना सारा एक साथ है हमारा। ये तो एक एक मोटरसाइकिल पर दौड़ बटर जाओ मैं फुला बिल्कुल वो भाईचारा बेकायम है गांव में, लोगों ने जो भरम फैलाया था उस भरम का कोई असर नहीं हुआ है, वो इस इलेक्शन ने भी साबित कर दिया। और जो भाई दीपेंद्र जितनी मार्जिन से जीत रहे हैं वो तो फिर कहने की जरूरत को नहीं पड़ी, वो तो ऑटोमेटिक उस बम्फर वोट ने बता दिया कहा भाई सारा भाईचारा एक है। अरे आने वाले टाइम में जो 4 महीने बाद में इलेक्शन दोबारा होगा उसमें भी और बढ़िया निखर का भाईचारा होगा, इसी बात नहीं है बहुत इससे भी ज्यादा निखर का ना होगा क्योंकि लाखों में भाई जीतने लग रहा है। बिल्कुल मैं भी सुबह से ही जहां अपना मतलब मतगणना होने लग रही है उसके बाहर में सुबह से मेरी वीडियो आने लग रही है, मन सिर्फ एक मानस भारतीय जनता पार्टी का पाया था वो भी इतनी इतने ठाडे कॉन्फिडेंस में था पहलवान था अपना मनीष पहलवान नोला भाई 3 लाख तय डॉक्टर अरविंद शर्मा जीता मैं नोला मैं भी मान गया भाई और क्या करे मान लिया भाई और क्या सही बात है। सेकंड राउंड की गिनती होते बीजेपी वाले उठ तो सारे उठ के चल लिए थे, एक भी नहीं था सब आ लिए थे रात में तो वो पावे नहीं भाई वो मातुरा मलवाई बिटोन तो भाई पहले हम ऑर्डर कर दिए और नू बेरा कोने था बाबा पासला वाला बड़का मायने रे दे अब अपा चली गेड़ा जीत के नू इकले जीत जावांगे लेकिन इकले जनता ने सियाणा होया है और भाई दीपेंद्र हुड्डा ने विकास का नाम पर पढ़ाई का नाम पर और भाई मतलब विकास का नाम पर वोट मांगे ना कि झूठ बोल गया लोगों ने मतलब धर्म पर जात का आधार पर कोई वोट नहीं मांगे और एक बहुत बढ़िया पढ़ा लिखा इंसान है आने वाले टाइम में भाई दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा सीएम होगा भाई। भाई पवन वो तो जब भाना लाडू कितने बुक करने जाते ना तो हलवाई नु कहता भाई पहले पीछे जमा करा दो बोले क्या गे बोले भाई क्या गे बोले भाई तुम हारोगे ठीक है और ना लेना हमारे पीछे ही मरेंगे लाडू भी खराब जाएंगे दो दो काम बने मारे गए हलवाई ने लाडू बनाए हैं नू बजा था भाई एक ना एक तो हारेगा जितनी तो लेंगे आड़ा सारा सौदा तैयार दरिया है लाडू भी रसगुल्ले भी मातुरा तो मारा तो बतला लेगा मोटी जलेबी है जो शाही है उसके खरीदार ईब भी है भाई डीजे तैयार है थोड़ी अनपत से कम तक कम 200 गाड़िया काफिला रोड पर के तब न दिखाई देगा और वीडियो कर दो शेयर हाल फिलहाल भाई मरो तक सुनने की जरूरत नहीं है कती सारा सौदा जितना शहर में सारा खरीद लें कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले इलेक्शन का एडवांस भी तो देना पड़ेगा एडवांस तो हम बुकिंग आप पे कर देंगे जरूरत है कोई ना उनकी कहने की है वो तो हमारा खतरा आप बना लेंगे जब बढ़िया उनके खरीदेंगे तो आप हमारी बाट नहीं देखेंगे वो भाई वो पहले लेकर जाओगे ठीक है। देखो भाई ऐसा है दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के अंदर सबसे मेहनती और सहनशील कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी का, उसने जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत करी है 10 साल पहले भी वो सरकार के अंदर थे इसी किसी भी कैंडिडेट ने कांग्रेस के अंदर नहीं करी और आज भी दीपेंद्र भाई 2 लाख से ऊपर से
रोहतक लोकसभा से जीत दर्ज करे है। और ये जो मोदी फैक्टर है ये कोई फैक्टर नहीं, ग्राउंड लेवल पर जो दीपेंद्र ने डोर टू डोर 36 बरादरी के अंदर जो मेहनत करी है किसी भी कैंडिडेट ने नहीं करी। इतना सहनशील एक सीएम का लड़का होते हुए किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने धक्के मार दिए, किसी ने उसके लिए बदतमीजी कर दी, तभी उसने कोई भी गलत जवाब नहीं दिया। दीपेंद्र बरगा तो भाई भाई हरियाणा के अंदर कोई नहीं है, इतना बढ़िया ठंडा छोरा कोई भी नहीं है। ईसा भाई तो भाई सब ने मिला। और ये जो चुनाव था ये लोकसभा से भी ज्यादा महत्व रखता था भाई, विधानसभा चुनाव जो सर के ऊपर है और उसकी भी लगातार कैंपेन अभी मनु मूवीज पर आप देखते रहना और शेयर कर दिया करो वीडियो ने, क्योंकि आप नाड़कती जेन्युइन वीडियो मिलेंगी बगैर किसी लाग लपेट के। राम राम सारे भैया ने।